guys, welcome back to our channel. I'm Jolly. And I'm Nikita. कैसे आप सब आए? Hope आप बहुत अच्छे हो. So guys, बहुत time से हमें इस video के लिए comment आ रहा था और हम बहुत ज्यादा excited हैं क्योंकि जो title है वो बहुत ज्यादा amazing है और बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है ये video बहुत अलग होगी. पहले हम आपको टाइटल बता देते हैं जिसके टाइटल है हजरत आदम और मौत का फरिश्ता. और गाइज ये हमने वीडियो लिया है मेहरबान अली से, उनके चैनल से. इसी इन्हीं के चैनल के लिए हमें बोला गया था कि इनकी चैनल की वीडियो पे रिएक्शन देना. सो गाइज देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है और हमें कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि हमने ये चीज फर्स्ट टाइम सुनी है और हजरत आदम के बारे में हमें काफी कुछ पता है. इनकी स्टोरी हमने देखी थी. हाँ बट ये जो स्टोरी है इनके साथ में जो मौत का फरिश्ता का जो भी स्टोरी है वो हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है. सो देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अल्लाह ने इंसान को खल्क करने का इरादा किया तो कोई भी फरिश्ता जमीन से मिट्टी न ला सका. तो इतने में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ अल्लाह ये काम मुझसे ही होना है. तो बस अल्लाह के हुक्म से हजरत इजराइल जमीन को आए और तीन अकसाम की मिट्टी को जमा किया, सुर्ख सफेद और स्याह. फिर इस मिट्टी को मक्का और ताइफ के दरमियान रखा गया और मुसलसल बारान रहमत बरसती रही. फिर अल्लाह ने इस मिट्टी को अर्श पे बुलाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार कर दिया और 40 साल तक वो जन्नत में रखा गया. हर फरिश्ता उस मुजस्मे को देखता कि ये मिट्टी का बना हुआ पुतला कैसे चलेगा, कैसे बात करेगा, कैसे जिंदा होगा. 40 साल तक अल्लाह ने इस निशानी को कायम रखा और फिर एक दिन जन्नत के तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आज मैं अपनी इसमें रूह डालूंगा और जब ऐसा हो तो तमाम फरिश्ते इस आदम को सजदा कर देना. सब फरिश्ते हैरत से पुतले को देख ही रहे थे. इतने में अल्लाह ने इस मिट्टी के मुजस्मे में अपनी रूह डाली तो आदम अलैहिस्सलाम ने छींक ली और तमाम फरिश्ते सजदे में गिर के अल्लाह की तारीफ करने लगे सिवाय इब्लीस के, और वो तकब्बुर और हसद कर बैठा. अल्लाह ने उसे अपनी दरबार से निकाल दिया. फिर अल्लाह ने हजरत आदम से बीबी हवा को पैदा किया और इनकी जन्नत में की गई गलती के सबब इनको जमीन पे भेज दिया और ये हुक्म नाफिज किया कि अब जन्नत में वो ही आएगा जो ये साबित करे कि वो हमारा फरमा बरदार है. और यूं इंसानों के लिए दुनिया में इम्तिहानात को रखा गया ताकि हर इंसान इम्तिहान देकर अल्लाह को राजी करके जन्नत तक पहुंच सके. तारीख ने लिखा जब आदम और बीबी हव्वा जमीन को आए तो 200 साल तक एक दूसरे से जुदा रहे और अल्लाह से माफी मांगते रहे. बिलाखिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की. हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उन्हें मक्का में जबल अरफात पर छोड़ आए और वो साथ रहने लगे. और फिर अल्लाह ने हजरत आदम को हुक्म दिया कि वो खाना काबा तामीर करें और हजरत जिब्रील और हजरत आदम ने मिलके एक घर का निशान कायम किया जिसको बाद में तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया और जिसे आज भी अल्लाह का घर खाना काबा कहते हैं. हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जब अपनी खता को लेके पशेमान होते थे या अल्लाह की इबादत करना चाहते थे तो इस जगह आके अल्लाह का जिक्र करके अल्लाह को राजी किया करते थे. हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की जिंदगी पाई जबकि आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी 1000 साल की थी. क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी तमाम औलाद जिन जिन को नबुव्वत मिलनी थी उनकी शख्सियत और उनकी उम्र आदम अलैहिस्सलाम के नजदीक वाज़ह कर दी. आपने जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र को 60 साल तक देखा तो अल्लाह से कहने लगी, ऐ अल्लाह मेरी उम्र के 40 साल मेरे पोते दाऊद को दे दे. तो यूं आपकी दुआ कबूल हो गई.
अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दो फर्जंद अता किए, हाबिल और काबिल, लेकिन शैतान के वसवसे, हसद और नफरत ने जब काबिल के हाथों से हाबिल को कत्ल करवा दिया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अंदर से टूट गए और बार बार अल्लाह की दरबार में दुआ मांगने लगे। तो एक दिन अल्लाह ने जिब्रील अमीन को आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और फरमाया, ऐ आदम, अल्लाह तुम्हें ऐसा बेटा देने वाला है जिसके नसब से अंबिया और औलिया जमीन तक पहुँचेंगे, उसका नाम शीस रखना। शीस का मतलब है अल्लाह का अता किया गया तोहफा। और यूं अल्लाह ने आदम की नस्ल को जमीन पे फैला दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया, आपने अपने बेटों से कहा कि मेरा जन्नत के फल खाने का जी कर रहा है। आपके बेटे जमीन पे जन्नत के फल ढूंढते रहे कि अचानक से उनको फरिश्ते मिले और कहने लगे, ऐ बनी आदम, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हम अपने बाबा आदम के लिए जन्नत के फल ढूंढ रहे हैं। उन फरिश्तों ने कहा, जाओ, तुम्हारे बाबा चंद दिनों के मेहमान हैं। आपके तमाम फर्जंद दौड़ते दौड़ते आप तक आ पहुँचे तो आदम अलैहिस्सलाम बिस्तर बीमारी पर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। बस इतने में मौत का फरिश्ता आ पहुंचा। जैसे ही बीबी हवा ने मौत के फरिश्ते को देखा, हजरत आदम से लिपट गई कि मैं अपने शोहर को अपने से जुदा नहीं करूंगी। अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ हवा, मुझसे दूर हट जा, एक मर्तबा पहले भी तेरी वजह से जन्नत से निकाला गया हूँ, आज अल्लाह और उसके फरिश्ते के दरमियान तू हायल न बन। फिर आप उन फरिश्तों से मुखातिब होके कहने लगे, ऐ फरिश्ताए मौत, क्या भूल तो नहीं गए? मैंने अल्लाह से सुना था मेरी उम्र 1000 साल की है और अभी तो मुझे 960 साल हुए हैं। तो मलकुल मौत ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी आदम, आपने खुद ही फरमाया था कि आपकी जिंदगी के 40 साल आपके पोते दाऊद अलैहिस्सलाम को दिए जाएं। बस आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की गई, आपको गुस्ल फरिश्तों ने दिया और जन्नत की खुशबू आपके जिस्म मुबारक को लगाई गई। फिर आपकी जनाज़े नमाज फरिश्तों ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पीछे अदा की और जमीन खोद कर आपकी तदफीन की और तमाम इंसानों के नजदीक अल्लाह का ये हुक्म नाफिज किया कि जब भी किसी का इंतकाल हो तो उनके जिस्म को ऐसे ही तदफीन करना। आज भी उन फरिश्तों की सुन्नत पे अहले ईमान अमल करके अपने बुजुर्गों की तदफीन करते हैं। आपकी कब्र मुबारक की जगह को लेके इख्तलाफात हैं। कुछ मौरखीन के नजदीक आपकी जाए तदफीन श्रीलंका, तो कुछ के नजदीक जबले अबी कबीस, तो कुछ के नजदीक इराक और कुछ के नजदीक मस्जिद खरीफ के सहन या अंदर। बाज रवायतों में ये भी है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता मौत आ पहुंचा तो आपने अपने बेटे जिसको आपने अपना जानशीन बनाया था हजरत शीस अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ऐ मेरे जानशीन, मैंने अल्लाह से सुना था कि अन करीब इस जमीन पे एक बहुत बड़ा तूफान आएगा, अगर तुम उस वक्त तक मौजूद रहो तो मेरे जिस्म को उस कश्ती नूह में सवार करना जो निजात का वसीला है, और अगर तुम उस वक्त तक ना पहुंचो तो अपनी औलाद से वसीयत करना कि मेरे जिस्म को कश्ती नूह में सवार करे। तारीख ने लिखा, जब तूफान नूह आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में हजरत आदम और बीबी हवा के जिस्म मुबारक को अपनी कश्ती में सवार किया और बैतुल मुकद्दस या इराक में उस जगह तदफीन किया जहां उन्होंने अपनी ही कब्र बनाई और बीच में एक कब्र खोद के अपनी तहरीर छोड़ दी। और जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने शहादत पाई तो उन्होंने वसीयत की, मेरे जनाजे को ऊंट पे रख के हसन और हुसैन पीछे चलते रहना, जहां ऊंट रुकेगा वहां एक चमकीला पत्थर होगा, उसको हटाना तो मेरी कब्र बनी होगी। जब इमाम हसन और हुसैन उस जगह पहुंचे जहां ऊंट रुका, उस चमकीले पत्थर को हटाया तो एक तरफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र बनी थी, दूसरे तरफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र बनी थी और बीच में एक कब्र खुदी हुई थी और उसमें तहरीर था कि ये कब्र नूह अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से वक्त के इमाम और रसूल अल्लाह के वसी अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए बनाई है। आज भी इन मुकद्दस मज़ारात की ज़ियारत के लिए लाखों लोग इराक आते हैं और ज़ियारत करके अपना ईमान ताज़ा करते हैं।
सो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग थी, क्योंकि मतलब हमने वैसे हजरत आदम के बारे में सुना हुआ है, उनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता है, बट स्टिल मतलब इन्होंने जैसे और भी चीजें बताई वो बहुत ज्यादा अलग थी। लाइक वो स्टैचू वाली जो पुतला बनाया था, हाँ, वो हमें नहीं पता था। मतलब वो बनाया था, ये पता था कि बनाया था, पुतला बनाया था मिट्टी लेके, हाँ, अलग अलग जगहों की, बट 14 इयर्स तक उसको रखा, 40 साल तक जन्नत में रखा, जन्नत में रखा, एंड देन बाद में उनके अंदर रूह डाली गई, है ना। बट गाइस मतलब सोच के कितना वो लगता है कि मतलब कैसे हुआ होगा ये सारी चीजें। हाँ, और मतलब और भी वीडियो में जैसे इन्होंने बताया कि वो इतने साल तक उनकी एज थी 1000 थी, हाँ, बट वो 960 में उन्हें लेने आ गए थे। हाँ, उन्होंने दुआ मांगी थी कि मेरे 40 साल मतलब मेरी उम्र भी मेरे पोते को दे दे। तब फिर उन्होंने बताया कि आपने मांगा था ऐसा कि आपके 40 साल आपके पोते को दे दे, हमारे लिए मतलब कब्र वाला भी था कि वो चीज रुकेगा वहाँ पे, चमकीला पत्थर होगा, कब्र ऑलरेडी होगी, बनी होगी, और मतलब हमारे लिए सारी चीजें बहुत न्यू है, बहुत ज्यादा अलग है, और हम ऐसा कुछ सुनते हैं तो बहुत हम फिर उसके बाद हम वीडियो जब हमारी बन भी जाती तब भी हम बात करते हैं कि अच्छा ऐसे कैसे हुआ। हम लोग अपनी फिर बात करते कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ होगा, तब हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कुछ हम नई चीजें देख रहे हैं, जान रहे हैं। बट गाइज वीडियो बहुत ज्यादा सही थी, बहुत अलग थी। सो आप लोग बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आपको रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।